Hello friends, please like this video, subscribe to Indian Driving School and press the bell icon to get the new video updates. And if you want to see my other videos as well, click on Indian Driving School and go to videos to watch them. And don't forget to follow me on the Instagram. हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष, वेलकम टू इंडियन ड्राइविंग स्कूल। गाइस, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा टर्निंग प्लस स्पीड कंट्रोल के बारे में। मैंने एक वीडियो पहले टर्निंग स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर मैंने बनाई है, लेकिन उसमें स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा गियर्स वगैरह के बारे में, कौन सा गियर लगाना है टर्निंग के टाइम, कौन सी स्पीड पे मुड़ना है। तो ये एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है टर्निंग के ऊपर, कौन सी स्पीड में कौन सा गियर वाली, लेकिन टर्निंग से रिलेटेड वो नहीं थी, वो नॉर्मल स्पीड के हिसाब से थी। तो गाइज, दो तीन चीजें होती है इसमें कि आपकी स्पीड कितनी होगी टर्निंग लेते टाइम, ठीक है, जब आपको टर्न लेना है। इसमें मैं स्टीयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको स्टीयरिंग के ऊपर देखना है कि आपको टर्न लेते टाइम कितना स्टीयरिंग टर्न लेना है, तो आप दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ स्पीड का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, तीन फेज होते हैं हमेशा एक टर्न लेते टाइम के, मतलब हम जब एक टर्न लेते हैं तो उसके तीन फेज होते हैं। एक होता है ब्रेकिंग, एक होता है रिलीज और एक होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम पास में कोई एक टर्न लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक लेफ्ट टर्न लेता हूँ, यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा है, टर्न लेने में मुश्किल है, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी स्पीड है 20 की और 10 की थी बाय द वे। तो जो आपके क्लोज टर्न होते हैं, सिंगल टर्न जैसे कि ये वाले हैं, तो इसमें आपकी स्पीड होगी 10-15। मैंने तीन फेज अगर आप नोटिस करोगे अभी टर्न लेते टाइम, अभी गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो तीन फेज मैं आपको बता रहा था। पहला होता है ब्रेकिंग का, साइड करेगा नहीं करेगा या ठोकेगा बेवकूफ आदमी। तीन फेज मैं आपको बता रहा था, ब्रेक लेना, अभी मैंने ब्रेक लिया है, अभी मैंने रिलीज लिया है, छोड़ दिया मतलब ब्रेक, एंड अब मैंने दोबारा एक्सेलरेट किया है। तो ये तीन फेज होते हैं, ब्रेक, रिलीज एंड एक्सेलरेट। रिलीज जो मैंने लिया है उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो आपका रिलीजिंग पॉइंट है उसमें आपको ब्रेक के ऊपर पैर रखना है। जैसा आप, मैंने ब्रेक लिया, पहले मैंने रिलीज कर दिया ब्रेक, एंड अब मुझे एक्सेलरेट करना था, लेकिन वो गाड़ी आई है, चलो वो मुड़ गई, तो दैट इज फाइन। तो एक और डाउट आता है लोगों को कि ब्रेक लेते टाइम आपको क्लच दबा के लेना है या नॉर्मल लेना है। सो गाइज, उसमें एक नॉर्मल सी चीज ये है, जब आपको आपको कब क्लच दबा के ब्रेक लेना है एंड कब आपको नॉर्मल लेना है, ठीक है, टर्निंग के टाइम पे। टर्निंग के टाइम अगर आपको टर्न के साइड में दिख रहा है, जैसे मुझे अभी टर्न के साइड में अभी नहीं दिख रहा राइट, अगर मैं लेऊं तो ठीक है। तो अब अगर मैं टर्न लूंगा तो मैं क्लच दबा के लूंगा, जैसे ये गाड़ी आई है, अभी मुझे नहीं दिखी थी, एंड अब मैंने एक्सेलरेट कर दिया बिकॉज मेरी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल ही कम थी, ठीक है। तीन फेज मैंने आपको बताए, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और बार बता रहा हूँ। अभी मैं राइट टर्न लूंगा, ब्रेक लिया मैंने, मैंने ब्रेक से पैर हटाया है लेकिन उसके ऊपर रखा है, अब मैंने एक्सेलरेट किया है। सो ये तीन चीजें हैं जब आप ब्रेक लेते हैं, टर्न लेते हैं सॉरी। अभी मैं 20 की स्पीड पे मैंने ब्रेक लिया एंड अब मैंने दोबारा एक्सेलरेट किया। तो सिर्फ ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, बाकी उसके बाद आती है आपकी स्पीड की बात। जैसे हम इंडिया में होती है हमारी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, ठीक है, तो जो आपके आते हैं ये सिंगल रोड पे, आप सेम ही बात है, ठीक है। तो जब आप लेते हैं लेफ्ट टर्न, जैसे मैं हूं अभी थोड़ा सिंगल लेन पे, लेकिन वन डायरेक्शन है, अब मैं ले रहा हूँ लेफ्ट टर्न, तो मेरी गाड़ियां हो जाएंगी, मेरी गाड़ी टर्न होगी यहीं पे, ठीक है। अगर मैं होता हूं राइट टर्न तो मेरी स्पीड होगी कम थोड़ी,
अगर मैं लेता हूँ लेफ्ट टर्न तो मेरी स्पीड होगी कम, एंड अगर मैं लेता हूँ राइट टर्न तो मेरी स्पीड होगी थोड़ी ज्यादा। उसका रीजन बीइंग ये है कि जब आप लेते हो लेफ्ट टर्न, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहीं से लेफ्ट टर्न लूंगा तो मेरी गाड़ी की स्पीड मुझे कम करनी पड़ेगी। ये तो एक राउंड अबाउट है, हम एक अच्छी पोजीशन पे चलते हैं जहां पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर सकूं। A few moments later. Okay guys, so I am back in the position now. अब जैसे अगर मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक वन ऑन वन रोड है, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, और एक ये टी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ लेफ्ट टर्न, ठीक है, तो मेरी स्पीड अगर आप नोटिस करोगे तो मेरी स्पीड होगी 15 की। अब मैंने ब्रेक लिया, मैंने रिलीज लिया, उसके बाद अब मैंने एक्सेलरेट किया, ठीक है, बिकॉज ये था थोड़ा नैरो टर्न। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ राइट टर्न। ओके गाइस, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा राइट टर्न। अब मुझे लेना है यहाँ से राइट टर्न, मुझे दिख रहा है कोई गाड़ी नहीं है, मैं यहाँ से लूंगा राइट टर्न, लेते टाइम ब्रेक रिलीज एंड एक्सेलरेट। तो अभी मेरी चांसेस, मतलब जो टर्न था वो था काफी बड़ा, तो इसलिए मुझे स्पीड मेरी उस टाइम में थी 30 के आसपास की। एंड अगर जो मेरा लेफ्ट वाला टर्न है वो अगर मैं ले रहा हूँ तो वहां पे मेरी स्पीड हो जाती कम, बिकॉज वो है नैरो टर्न। सो ये एक चीज आपके ध्यान में देने वाली है जब आप ले रहे हैं लेफ्ट या फिर राइट टर्न वन ऑन वन रोड पे, ठीक है। तो स्पीड आप उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि आपका टर्न कितना वाइड है, और क्लच दबाने वाली बात आप तब ध्यान में रखेंगे जब आपको टर्न लेते टाइम नजर आ रहा है या नहीं आ रहा कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो सामने एक और टी पॉइंट है, मैं आपको इस पॉइंट पे दोबारा बताता हूँ ये सेम चीज, कि अगर मैं लूंगा यहाँ पे लेफ्ट टर्न डायरेक्ट, बिकॉज अब मैं हूँ लेफ्ट साइड पे और मुझे लेना है लेफ्ट टर्न, तो मेरी स्पीड होगी थोड़ी सी कम, ठीक है। अब यहां से सेम जगह से अगर मुझे लेना है राइट टर्न तो मेरी स्पीड होगी थोड़ी सी ज्यादा, बिकॉज मेरा टर्न है थोड़ा सा वाइड। सो ये थी एक नॉर्मल सी चीज, टर्निंग के टाइम आपकी कितनी स्पीड होगी, कितना आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, एंड ऐसे देखते रहिए, ऐसे बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियोस देखते रहिए। एंड अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आस्क, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग, ड्राइव सेफ, पीस।